दर्शन हमने कर लिए हैं और बंद हो चुके हैं। जय हो बोलेगी। नहीं था वहाँ पे, थोड़ी दिक्कत आई पेट्रोल ढूंढने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज तारीख है 14 अक्टूबर 2021 और समय हो गया है 4:30। इसका मतलब हमारा भी समय हो गया है एक नई वीडियो और एक नया ब्लॉग बनाने का। तो जैसा कि कल आप सभी लोग जानते हैं कि कल दशहरा है 15 तारीख, उसके लिए आप सभी लोगों को बधाई मेरी तरफ से। और इसी पावन अवसर पर हमने भी थोड़ा पावन जगह जाने का ही चुना, इसीलिए हमारा ट्रिप जो होने वाला है वो केदारनाथ बाइक राइड होने वाली है। और इस सफ़र में मेरे साथ शामिल होंगे मेरे प्रिय मित्र प्रिंस चौहान, जिनका आप देख सकते हैं, आप कॉल भी आ गया। तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। मैं चला रहा हूँ इंटरसेप्टर 650 और प्रिंस चलाएगा स्टैंडर्ड 350 और सामान सारा लद गया है। तो सीधा मिलते हैं प्रिंस के घर पर। तो गाइस, प्रिंस के घर पर पहुंच चुके हैं और बाइक आप देख ही सकते हो, स्टैंडर्ड 350। प्रिंस आज मेरी बाइक चलाएगा और ये जो है मेरे क्लोज़ फ्रेंड की बाइक है, जिसको एक्सीडेंटली उसका हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, सो उसने मेरे को दे दी थी थोड़े टाइम के लिए। तो इसीलिए आज मैं इसके लिए इंटरसेप्टर 650 राइड कर रहा हूँ और प्रिंस स्टैंडर्ड 350 राइड कर रहा है। पेट्रोल ढूंढ रहे हैं और अभी तक तो आया नहीं कोई। हाँ भाई, पेट्रोल पंप देख के आया नीचे जाके यार। तो भाई, मैं पेट्रोल पंप की तलाश में आ गया था थोड़ा सा आगे, बट यहाँ तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली। यार अभी चाय आ गई है अपनी और मट्टियाँ मंगवा ली हैं, तो अभी नॉर्मल ब्रेकफास्ट सही कर रहे हैं, कुछ सुबह कुछ खा के आए नहीं थे। तो भाई अभी तक का राइड का सफ़र बढ़िया था, बट अभी पेट्रोल जैसा कि प्रिंस की बाइक में भाई ने डलवाया नहीं था, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई पेट्रोल ढूंढने में। भाई क्या से कैसे बाइक ही होती है। और जो मेरे को प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिख रही है वो है 650 और 350 बीच का डिफरेंस। इंटरसेप्टर भाग सकती है आराम से 100+, बट वहीं पे अगर मैं 350 की बात करूँ तो वो वाइब्रेटर बन जाएगी अगर हम उसको 100 पे भी लेकर जाएंगे, तो इसीलिए मैक्सिमम स्पीड 80 ही रहेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि चाय पी के फिर हम सीधा निकलेंगे मेरठ की ओर। रिकॉर्डिंग चल रही है, तू कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है। प्रिंस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शर्मा रहे हैं वो। तो भाई अभी बज गए हैं 11 और हम यहाँ पे रुके हैं अमृत पंजाबी ढाबे पे, थोड़ा वक्त खा पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं जर्नी लेंस डाउन के लिए। अभी हम यहाँ पर कोटद्वार में एंट्री कर चुके हैं। डेस्टिनेशन पौड़ी की ओर डाल दिया है क्योंकि लेंस डाउन अब हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, वरना लेंस डाउन जाते बीच में दिक्कत हो जाती है। अब हम सीधा गोमखाल निकल रहे हैं, वरना हमारे को पहले लेंस डाउन जाना होता फिर गोमखाल निकलते फिर पौड़ी आता, तो अब सीधा हम गोमखाल से सीधा पौड़ी जाएंगे। पूरा पौड़ी का रास्ता टूट है, बाइक जो है 30-40 के ऊपर ही चल रही है, बस बुलखाम आ चुके हैं इस टाइम।
हमने देवप्रयाग वाला रुद्रप्रयाग वाला रूट नहीं लिया है, हमने पौड़ी वाला रूट लिया है। तो यहाँ से पौड़ी का रास्ता जो है वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का रह गया है। उसके बाद फिर अपन लोग श्रीनगर का भी सोच रहे हैं, फिर उसके बाद अपन लोग सोनप्रयाग। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, पता नहीं कैसे तय होगा या फिर बीच में कुछ हमारा रुकने का बीच में रहता है, क्या रहता है। तो भाई लोगों, अपन लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम पौड़ी, और यहाँ टाइम जो हो रहा है वो 6:30 के बीच में। भाई देख लो, इस टाइम हमें श्रीनगर में पेट्रोल पम्प सब बंद हो गए हैं इस टाइम, और मेरे को पेट्रोल डलवाना है। बिकॉज इंटरसेप्टर में 2 डंडे रह गए हैं। हमारा फाटा में एक फ्रेंड है, तो उसके थ्रू हम होटल ले लेंगे वहाँ पर, बट फाटा यहाँ से 93 किलोमीटर दूर है अभी। दैट मीन्स विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स टू रीच फाटा, बट बिफोर दैट वी नीड टू फिल दिस थिंग। भाई इंटरसेप्टर पे भरोसा नहीं है, स्टैंड के 2 डंडे कब बोल जाते हैं पता भी नहीं लगता है। अभी वही ढूंढ रहे हैं यार, देखते हैं किधर मिलता है पेट्रोल पम्प। इस टाइम 8 बज चुके हैं और यहाँ पर 7 बजे बंद हो जाते हैं सारे पेट्रोल पम्प। अरे भाई बड़ा बुरा हाल है, रोड बना दो। देख सकते हो यार, सारा कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, इसकी वजह से हमको और भी ज़्यादा देरी हो रही है। फाइनली हम फाटा पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है बस, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देख सकते हो यहाँ पे सारी रोड वगैरह बंद रही है इस टाइम, तो काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। फाइनली फाटा हम पहुँच चुके हैं, बट यहीं पर ही है हमारा दोस्त अभी मिलेगा, तो घूम लेते हैं और फिर सीधा रूम में चल के आपको सारा अपडेट देते हैं कल क्या रहेगा और आज कैसा रहा हमारा दिन। गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम हो गया है 9 बज रहे हैं अभी इस टाइम, और सबसे पहले तो यार मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल रात को व्लॉग नहीं कर पाया, बिकॉज थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और एकदम जाते बेड पे हम सो गए आए। तो अभी सुबह उठे हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे अपना रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट है अपना, यहाँ का व्यू देखो यार, बहुत ही प्यारा व्यू है। बाइकें हमने यहीं पे खड़ी कर रखी थी और अभी भी यहीं पे ही खड़ी रहेंगी। हमने अपना सामान जो सारा राइडिंग गियर्स और पैंट्स या जैकेट्स जो भी हैं वो यहीं पर रखवा दी हैं, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का ही एक रिजॉर्ट है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, जो कि अभी हमको पहुँचना पड़ेगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग अभी हम स्टैंडर्ड बाइक से जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे हमारे गौरीकुंड तक, वहाँ से सोनप्रयाग से कोई गाड़ी लेकर जाएगी, उधर से फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है, 18 किलोमीटर का ट्रैक है और कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं कितनी नहीं, वो तो जाके ही पता लगेगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। भाई अपन लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और हमने बाइक पार्किंग में लगा दी है, आप देख सकते हो पार्किंग यहाँ की बाइक की हो रही, और रॉयल एनफील्ड है। हेलमेट जो है वो वहाँ रखने जा रहे हैं, वो आप देख रहे होगे शायद अगर आपको दुकान दिख रही होगी। तो गाइस अभी हम यहाँ पर RT-PCR का टेस्ट करवा रहे हैं, ये देख सकते हो RT-PCR की लाइन है, और वो पीछे वाली लाइन रजिस्ट्रेशन की है, जहाँ पर हमारे को केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर जिसके 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है तो आप बुक टू गो, नहीं तो फिर आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ से पास लेकर फिर आगे गौरीकुंड के लिए जाना पड़ेगा। One eternity later. तो गाइस अपन लोगों ने RT-PCR रजिस्ट्रेशन होता है वो करवा लिया है, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गौरीकुंड की ओर। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, तो भीड़ काफ़ी है, और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जब भी आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ का करवाने आएंगे तो साथ में अपने हार्ड कॉपी एक ज़रूर लाना अपने आधार कार्ड की, बिकॉज़
उसके बिना थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है, फिर आप वापस से जाओ हार्ड कॉपी करवाने। तो अभी हम निकलते हैं सीधा यार गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड के लिए अगर आपको गाड़ी लेनी होगी तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये सारी गाड़ी की लाइन है। वैसे हमसे बोला गया है कि 30 रुपये पर पैसेंजर है, बट देखते हैं अभी कि कितना लेते हैं ये हमारे से। तो यहीं पे बस ये पुल है साइड में, और इसी के साइड में यहाँ पे लाइन है पूरी गाड़ियों की। यहाँ से गौरीकुंड 1 किलोमीटर है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी की लाइन है। सिर्फ आपको 1 किलोमीटर बाद ही आपको छोड़ देगी जहाँ से मेन हमारी केदारनाथ की ट्रैक यात्रा स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं सीधा आपको केदारनाथ पर, क्योंकि हम भी गाड़ी से ही जा रहे हैं यार, टाइम कम है थोड़ा, तो जितना हो सकता है उतना बचा रहे हैं। तो गाइस गाड़ी ने यहाँ पे हमको छोड़ दिया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर फुट ट्रैक, मेरी अपनी गाड़ी, और चलते हैं सीधा यहाँ से फुट ट्रैक पे। प्रिंस भाई हमारे बहुत पीछे रह गए, और सामान भी अभी मैंने ही कैरी करा हुआ है विदाउट सामान ही। आप देखो तो ट्रैकिंग जैसे वैष्णो देवी की है सेम ऐसी ही है, बता के बता रहे 6 किलोमीटर बाद फिर थोड़ी और खड़ी चढ़ाई है। यार डिफरेंस भाई काफ़ी पीछे रह गए, वो बैग मैंने किसी को पकड़ा दिया। ये है भैरव मंदिर चीर पासा। गाइस वैसे रास्ता चलने में तो आसान है, खुला है काफ़ी और सीमेंटेड भी है, बट बीच बीच में जो रुकावटें हैं वो ये खच्चर गाय ये सब बीच में आते हैं तब दिक्कत होती है। बाकी प्रिंस भाई अभी भी गया, मैं फ़ोन के नेटवर्क यहाँ पर नहीं आते तो अच्छा है, कम से कम एक दिन तो फ़ोन से दूर रहोगे। और जगह की दूरी देख लो, ये तो हमारा पहले ही बड़ा पास हुआ है, भीमबाली ही पहुँचे हैं अभी हम। अभी तो 10 किलोमीटर बाकी है यार केदारनाथ यहाँ से। अपने वॉइस स्कूल से होते हुए वो वहाँ जाना है, फिर उधर फिर उधर। यार प्रिंस का कुछ अता पता नहीं है, मैंने आधे घंटे पौने घंटे वेट भी करा उसका तो, बट नहीं दिख रहा है। सारा बैग उसी के पास है यार, तो देखते हैं यार क्या उसने लिया है, हो सकता है खच्चर ले लिया हो। केदारनाथ यहाँ से 6 किलोमीटर रह गए। तो भाई यार हम बहुत थकावट हो रही है यार, क्योंकि ये वाली जो चढ़ाई है थोड़ी सी ऊँची है, ये जो 6 किलोमीटर है, और कल भी हमने दिल्ली से फाटा तक सीधी बाइक चलाई थी तो 500 किलोमीटर, उसकी वजह से भी थोड़ी थकावट है। और यहाँ पे भी 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना आसान बात नहीं है यार। सूरज ढलने लगा है और ठंड बढ़ने लगी है, देख सकते हो आप रोशनी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। प्रिंस का फिर भी पता नहीं है कुछ भी। गाइस अभी मैं लिंचोली पहुंच चुका हूं, और यहां पे इस टाइम हो चुके हैं 6 बज रहे हैं, 6:15,
और यहाँ पे पुलिस मुझे कह रहे हैं कि अगर मेरी हमारी ऊपर क्या दाम की बुकिंग है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज कपाट बंद हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा, तो सुबह 4 बजे खुलेंगे। तो फिर वो कह रहे हैं अगर रुकना है तो यहीं पर रुक जाओ आगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे और लगेंगे अभी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ प्रिंस का। तो भाई मैंने प्रिंस का बहुत देर तक वेट किया, 1.25 घंटा मैंने उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, मैसेज किया, मेरे को जो ठीक लगा क्योंकि अभी जो कपाट खुलेंगे वो 8 बजे तक खुलेंगे, तो मैंने इसीलिए अभी ये कचर ले लिया है और यहाँ से ये बोल रहे हैं 1 घंटे में पहुँचा देंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है और मुझे नहीं पता अभी मैं कहाँ पे हूँ, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज ही दर्शन करने, क्योंकि 8 बजे तक खुला हुआ है मंदिर और देखता हूँ मैं टाइम से पहुँच पाता हूँ, क्योंकि एक 1.5 किलोमीटर पहले अपन को छोड़ेंगे तो वहाँ से अपन का चलना पड़ेगा। ये 1000 रुपये का खच्चर हुआ है। तो गाइस घोड़ा घर पे खच्चर ने छोड़ दिया और मैं फिर से निकल पड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो सारा केदारनाथ बेस कैंप है। शाम के इस टाइम 7:30 बजने वाले हैं, मतलब बज ही गए, 7:29 हो रहे थे, पता नहीं इसमें दिख पा रहा है कि नहीं, बट वो पिंक लाइट वहाँ पे आपको दिख रही है वही अपना केदारनाथ टेम्पल। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। बंद हो गया क्या? हाँ जी, द्वार बंद कर दिया क्या? द्वार बंद हो चुके हैं। दर्शन बिल्कुल जैसे ही मैं लाइन में घुसा उसी टाइम ही उन्होंने गेट बंद कर दिया, बोला था 8 बजे बट 7:50 भी उन्होंने गेट बंद कर दिया। रिक्वेस्ट बहुत करी खोलने के लिए बट कुछ हाथ नहीं आया, सुबह 5:30 बजे के कह रहे हैं खोलने के लिए। सो लेट्स सी कि क्या करना है अब, प्रिंस का कुछ पता नहीं है। भाई ये है तो रूम, आजा भाई तू भी आजा भाई, ये ओपन रूम है। तो भाई रात के 10:30 हो रहे हैं, मैं अभी केदारनाथ टेंपल के पास ही हूँ। प्रिंस से जब बात हुई तो कह रहा है कि वो केदारनाथ टेंपल आ रहा है बट अभी तक तो नहीं आ पाया, तो जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ गई थी और मेरे को मजबूरन रूम लेना पड़ा। अब आपको दिखाते हैं रूम कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो सारे मजबूरी के नाम पे लेटे हुए हैं। इस टाइम क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो भाई आज की रात देखते हैं कैसी कटती है, कल दिखाते हैं फिर आपको, दिन में दर्शन करते हैं। दर्शन का समय आ चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं खूबसूरत लग रहा है इस टाइम ये। दर्शन हमने कर लिए हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं किया। तो दोस्तों समय आ गया है व्लॉग को ख़त्म करने का और वापस जाने का।
प्रिंस भाई कुछ कहना चाहेंगे? एक बार बाबा के दर्शन करो, बहुत कुछ किस्मत वाले हो गए अगर बाबा के दर्शन करोगे। तो गाइज ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।